शिवपुरी जिले के सिरसौ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुंगरीपुरा गांव का रहने वाला 14 वर्षीय नीरज परिहार पुत्र बलवंत परिहार कल बुधवार की शाम 4 बजे परिजनों से दुकान पर जाने की कहकर दोस्तों के साथ तालाब में नहाने चला गया, जिसके बाद वह काफी देर तक घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश की तो उसका शव रात 9 बजे तालाब में मिला, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शिवपुरी पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहाँ आज गुरुवार सुबह 10 बजे उसका पोस्टमार्टम जारी है। भैया आपका पूरा बलवंत बलवंत परियार, पिताजी का नाम है आपका? अच्छा, कहाँ रहते हो? थाना कौन सा लगता है आपका? सरसोत। अच्छा, क्या घटना? बच्चा था आपका, कैसे क्या मतलब क्या हो गया? बच्चों के साथ तालाब में नहाने चला गया। तालाब कितने दूर था आपके घर के? दूर था 1 किलोमीटर। अच्छा, कब की बात है? कल 4-5 बजे शाम को। आपको जानकारी कब लगी? रात में ली 7-8 बजे। 7-8 बजे जानकारी। तो अभी अभी ऊपर आ गया था क्या? होगा मालूम, किसी के जरिए मालूम पड़ा था कि ऐसे ऐसे कपड़े मिले थे ऊपर? अच्छा अच्छा, तो उसके साथ और भी नहाने गए होंगे कोई बच्चे बच्चे, तो उनसे पूछा कुछ आपने? कोई बोला ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। वो तो एक लड़के ने बताया था, दूसरे गाँव में था, नहाने गए थे 4 बजे। फिर निकाला कौन ने? हम लोगों ने निकाला, उसमें तालाब में कूद के। अच्छा, डूब गया था क्या वो? डूब गया। अच्छा, थाने पे बता दिया होगा आपने? पर पुलिस आ गई होगी हाल। कल रात की घटना है ये? कितने बजे की है? 4-5 बजे। 4-5 बजे की। कितने बजे निकाल लिया था आपने? मैंने 8:30। 8:30 बजे मामला आया है, बच्चा कोई तालाब में डूब गया, क्या कुछ पूरा मामला है जी? क्या है कि कल बच्चे तालाब पे नहाने आने के लिए गए होंगे। कितने साल का बच्चा था सर? नाम क्या था इसका? 14 साल का नीरज पुत्र बलवंत जी, परिहार निवासी गुगरीपुरा का है जी। उम्र कितनी होगी सर बच्चे? 14 साल का जी। कल क्या है, ये घर से गया होगा दुकान की कह के, तो शाम तक वो वापस नहीं लौटा जी। जी, तो फिर घर वालों ने आसपास पता किया होगा, तो कुछ लड़कों ने बताया कि वो तालाब पे नहाने के लिए गए हुए हैं, तो फिर वो वहाँ से घर से आए और तालाब पे जाके देखा तो कपड़े अपने बाहर मिले। जी जी, कपड़े बाहर मिले तो इनको शंका हो गई, फिर अंदर जाके देखा, कूद के देखा तो अंदर। अच्छा, इन लोगों ने मतलब निकाला सर उसको? हाँ, इन लोगों ने निकाला। अच्छा, इन लोगों ने निकाल के बाहर रख लिया। फिर उसके बाद आपको सूचना लग गई? हाँ, सूचना मिली थी। फिर